तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये हरे मटर की दाल। और ये दाल की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपकी दाल वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। तो आप मटर के दिन आ गए हैं तो इस तरह का दाल बनाना तो बनता है घर में, तो इस तरह का आप यम्मी दाल अपने घर में बनाइए और खाइए। इसे आप रोटी चावल हर चीज के साथ बहुत ही आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर रेडी हुई है, तो लीजिए अब इस तरह का दाल आप अपने घर में बनाकर इसका मजा लीजिए। हेलो फ्रेंड, कुक विद रानू में आप लोग का स्वागत है। आज एक बहुत ही स्पेशल डिश मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मेरे किचन में उसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हरे मटर की दाल। तो आजकल तो मार्केट में इस तरह का हरा मटर बहुत मिल रहा है, तो देखिए इसमें मैंने एक बाउल हरा मटर लिया है। ये आधा केजी से अधिक हरा मटर थी जिसे छुड़ाने के बाद देखिए एक बाउल ये मटर है। अब इसमें हम आधा से अधिक इस मटर को हम एक ग्राइंडर जार लीजिए और उसमें हम डालकर और उसे ग्राइंड करेंगे। आपको इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे हल्का सा दरदरा कर लेना है, बहुत अधिक मोटा भी नहीं और बहुत महीन भी पेस्ट नहीं। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इस मटर को हल्का सा इस तरह से बहुत ही महीन, आपको पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा दरदरा टाइप का करके निकाल लेना है। आप सारे मटर को इसमें हम बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए हमारे मटर तो अब रेडी हो गए हैं, ये थोड़ा सा जो खड़ा मटर है और इसे ग्राइंड किया हुआ। चलिए आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो इधर फ्लेम पर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। आपको जिस भी बर्तन में अगर दाल बनाना हो उस बर्तन को आप फ्लेम पर रखिए। और इसमें अब मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, और इस मस्टर्ड ऑयल में अब हम डालेंगे ये 1 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा है, और इसमें 1 पिंच हींग मैं डालूंगी। हींग से क्या होता है कि बहुत लोगों को मटर से काफी लोगों को गैस फॉर्म होने लगता है, तो आप हींग अगर डाल देंगे तो आपका ये डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छा रहेगा और गैस भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए अब ये रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ये 1 मीडियम साइज की बारीक बारीक प्याज काटी हुई है, 2 हरी मिर्च। अब हम इसे रोस्ट करेंगे, इसे आपको हल्का सा लाल कर लेना है। तो हमारी प्याज अब हल्का लाल हो चुकी है और इसमें अब हम डालेंगे ये 1 टीस्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी आप अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए। इसे बस हम आधा मिनट तक भून लेंगे थोड़ा इसमें, और इसके बाद अब हम अपने ड्राई मसालों को इसमें डालेंगे। चलिए अब ड्राई मसालों को हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार इसमें हम सॉल्ट को ऐड करेंगे। और अब इन सारे ड्राई मसालों को आप मिला लीजिए, और इसमें अब मैं 1 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं, और इसे अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। और इसे अब हम कम से कम 1-2 मिनट तक इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो चलिए अब 1 मिनट तक मैंने अपने ये मसालों को भून लिया है, और इसमें अब मैं डालूंगी ये 1 टेबल स्पून बेसन है। बेसन आपको ये बेसन से आपके ग्रेवी को थिकनेस मिलेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे अब आपको इसमें भूनना है, थोड़ा सा बेसन के कच्चेपन को इसमें खत्म करने के तक आपको इसमें थोड़ा सा इसे भून लीजिए। तो लीजिए हमारा बेसन भी इसमें भून चुका है, और इसमें अब मैं डालूंगी ये
एक थोड़ी सी बड़ी टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट के लिया है, इसे हम इसमें डालेंगे और अब इसमें मिला लेंगे और इसे आप ढक कर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए ताकि इसमें टमाटर भी गल जाए। तो लीजिए अब हमारी टमाटर भी इसमें देखिए अच्छी तरह से गल चुकी है और इसमें अब मैं अपने इस मटर के दानों को डाल दीजिए और इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसे भी हम ढक कर अभी 2 मिनट तक और पकाएंगे। चलिए हम अपने मटर को चेक करते हैं। तो देखिए इसमें ये मटर भी कम से कम आधा तो ये मटर पक चुका है और इस स्टेज में अब हम इसमें ये मिलाएंगे जो मैंने ग्राइंड करके मटर रखा है इसे भी मिला देंगे और आप अच्छी तरह से इसमें मिक्स कीजिए। ये दाल आप अपने घर में जरूर बनाइएगा, काफी लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगती है और ये विंटर में जो मटर मिलने लगते हैं तो उसके काफी आइटम बनते हैं जिसमें ये दाल तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप अब इस तरह से इस दाल को अब इसमें डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा भुनेंगे। तो आप मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए कम से कम 4-5 मिनट तक आप इसे भुनिए क्योंकि मटर जब तक अच्छे से थोड़ा भुनेगा नहीं और इसमें जितनी भी चीजें हैं तो ये दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे अब आपको मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक भुनना है। तो इसी स्टेज पर आप इसे कहीं भी छोड़कर हटिए नहीं, चलाते हुए इसे भुनिए। अगर आप इसमें खड़ा मटर नहीं रखना चाहते हैं तो आप चाहें तो पूरे मटर को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस ढंग से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़े से मटर को मैं खड़ा खड़ा रखती हूँ। तो लीजिए अब हम इसे हमने इसे 5 मिनट तक भून लिया है और इसमें अब हम सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे डालकर आप 1 मिनट तक थोड़ा सा इसमें मिला लीजिए और हल्का सा भून लीजिए ताकि इसमें मसाले का कच्चापन ना आए। तब हमारा इसमें गरम मसाला और ये सारे अब मसाले भून चुके हैं और इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी। मैंने पानी को गर्म करके रखा है, इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी मिलाएंगे। तो मैं इसे न बहुत अधिक गाढ़ा रखूंगी न बहुत अधिक पतला। अब आप इसमें इसमें मिलाइए और इसे अब मैं ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और इसमें अब मैं ऐड करूंगी ये थोड़ा सा धनिया की पत्ती, आप इसमें डालिए और इसे मिला देते हैं। तो ये जैसे जैसे अभी गाढ़ा होता जाएगा, जैसे जैसे खोलेगा और भी गाढ़ा होगा बॉयल होने के बाद, तो आप उस हिसाब से अपना पानी इसमें और भी बाद में थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। इसमें मैं 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसे आप अच्छी तरह से चलाइए और फ्लेम को एकदम मीडियम करिए और अब मैं इसे ढक देती हूँ और ढक कर इसे हम 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो चलिए हम अपने दाल को चेक करते हैं। तो देखिए अब हमारी दाल ये हमने इसे 3-4 मिनट तक पका लिया है और अब देखिए ये इस कंसिस्टेंसी की हो गई है, ये देखिए इतनी गाढ़ी है। अगर आप बहुत इसे और थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं, लेकिन इतनी गाढ़ी ये दाल अच्छी है क्योंकि अगर इसे आप उतारिएगा तुरंत सर्व करिएगा खाना है तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर इसे आप थोड़ी देर उतारने के बाद ठंडा होने के लिए रखेंगे ये थोड़ी सी और ठीक हो जाती है, लेकिन आप गर्म जब करेंगे तो ये इसी तरह की हो जाएगी। तो चलिए अब मेरी दाल तो रेडी है और इसे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसके लिए एक तड़का तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम तड़के के लिए एक छोटे से कोई भी बर्तन में आप इसमें डालिए 1 चम्मच सरसों का तेल हम डालेंगे और इसमें मैं डालूंगी ये 1 चम्मच खड़ी जीरा और इसे थोड़ा सा आप रोस्ट होने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 सूखी लाल मिर्च है इससे भी। अगर आप स्टार्टिंग में हींग नहीं डालते हैं इसमें तो आप इस स्टेज पर इसमें हींग डाल सकते हैं, लेकिन जिन्हें हींग का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हो वो स्किप करें, लेकिन इसमें हींग डालने से ये टेस्ट बहुत ही दाल का बढ़ जाता है इसमें। चलिए इसे हल्का सा हम रोस्ट करें। और अब इस तड़के को हम अपने इस दाल में डाल देंगे।
और दाल में डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं, तो देखिए कितनी टेस्टी हमारी ये दाल बनकर रेडी हुई है। और ये आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ बहुत ही आराम से आप लोग खा सकते हैं। तो इस ढंग से इस दाल को जरूर अपने घर में आप बनाइए और ट्राई कीजिए। और अभी तो मटर के दिन है, तो ये सब चीज तो बनाना बनता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी मटर की? इस ढंग से आप अपने घर में इस मटर के दाल को बनाइए और खाइए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी दाल बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो मुझे सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की यम्मी रेसिपी उनके नोटिफिकेशन पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी रेसिपी लेकर मैं हाजिर हूँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।